नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो PTET रिजल्ट को लेकर 2020 का जो रिजल्ट है दोस्तों, जो 2 ईयर का रिजल्ट है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। आप देख रहे होंगे आपका जो 4 ईयर वाला रिजल्ट था BEd का, वो आपका 4 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था और कहा गया था कि आपके जो 4 ईयर के एक सप्ताह बाद, यानी 4 ईयर का जो रिजल्ट के घोषित करने के एक सप्ताह बाद आपका जो 2 ईयर का रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है दोस्तों। चलिए एक बार मैं ऑफिशियल साइट पर देखते हैं क्या वो कोई ऑफिशियल सूचना आई है। साथ ही मैं आपको वीडियो में बात करूंगा कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, रिजल्ट में देरी होने का क्या कारण है दोस्तों। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कोई नोटिस जारी किया गया है या नहीं किया गया। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको PTET संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल साइट है दोस्तों, चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं जो BEd का 2 ईयर वाला कोर्स है और क्या नोटिफिकेशन या भी कोई नोटिस जारी किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं आप जो PTET का जो 2 ईयर का रिजल्ट है दोस्तों, उस पर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर मैं आ चुका हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभी तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है रिजल्ट को लेकर कि कौन सी तारीख को कितने बजे रिजल्ट आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक साथ बात बता दूं कि आपका जो रिजल्ट में देरी होने का जो मेन कारण है दोस्तों, वो है आपकी कॉलेज ईयर की फाइनल ईयर की परीक्षाएं। तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो कभी भी घोषित हो सकता है, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना शायद नहीं दी जाएगी। आपका रिजल्ट कभी भी चैनल पर जो ऑफिशियल साइट है उस पर डाल दिया जाएगा। तो जैसे कोई भी रिजल्ट को लेकर नोटिफिकेशन आएगा, रिजल्ट घोषित होगा आपको सबसे पहले इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और दोस्तों बता दूँ कि अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने जो रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों। मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन वो सब यही एक ही बात बोलते हैं कि रिजल्ट वो कभी भी जारी किया जा सकता है दोस्तों। अगर रिजल्ट भी आ जाता है तो काउंसलिंग आपकी बहुत लेट होने वाली है, क्योंकि जो रिजल्ट है जो फाइनल ईयर की कॉलेज की परीक्षाओं का, उसके बाद ही आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो देखना होगा कि आपका जो रिजल्ट है कब तक आता है। अभी कोई आधिकारिक सूचना या कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है। जैसे कोई नोट आएगा या रिजल्ट को लेकर कोई भी सूचना आएगी, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।